नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे दोस्तों एक कम बजट में आपका बिजनेस के लिए पीओए सिस्टम किस तरीके से बना सकते हैं। आप देखिए, जैसे आपका कैश ड्रॉयर है, आपका प्रिंटर है, सब कुछ आपका पास, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप बिजनेस है, आप सब कुछ किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है, क्या बजट होंगे उसका, मिनिमल बजट आपको मैं दिखा देता हूँ और वन बाय वन आप देखिएगा। ये जो वीडियो बेसिकली इन लोगों के लिए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब पीओएस के लिए कोई किसी से कोटेशन लाता है तो वेरी हाई अमाउंट का जगह अगर कोटेशन मिलती है तो इन सब सिचुएशन को आपको दूर करना है तो इस वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, वन बाय वन चीज मैंने किस तरीके से कनेक्ट करता है, उसका क्या यूज है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिलवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका कोई भी कंप्यूटर, यानी इस तरीके से लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, कोई भी एक कंप्यूटर लाइए दोस्तों, उस कंप्यूटर में आपने अपना जो RAINTECH POS जो भी सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है जी, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको ये जो एक दो हार्डवेयर की जरूरत होती है, एक तो एक प्रिंटर का जरूरत होती है आपको। देखो, ये जो थर्मल प्रिंटर, ये जो है एप्सन का प्रिंटर दोस्तों, एप्सन, और ये जो है एक टेबल टॉप बारकोड स्कैनर है, ये जो है हनीवेल का, एक्चुअली हनीवेल। ठीक है, और ये जो है एक टीवीएस का जो कैश ड्रॉयर होती है, जो कैश ड्रॉयर, ये जो है टीवीएस ब्रांड का है। ये सब किस तरीके से कनेक्ट करता है ये टू सेट मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। देखो, इसमें से मैंने मात्र 2 यूएसबी केबल निकला हुआ है। देखिए, मात्र 2 यूएसबी केबल है। देखिए, एक तो है बारकोड जो स्कैनर के लिए वाला, ये जो है आपका प्रिंटर का कनेक्शन है। तभी आप सोचेंगे ये जो कैश ड्रॉयर का कैसा कनेक्टिविटी होता है, कैश ड्रॉयर का जो प्रिंटर से कनेक्ट होता है दोस्तों। ये जो प्रिंटर इधर दिया हुआ है, देखिए ये जो प्रिंटर है, जो भी पीओएस प्रिंटर आते हैं इसके पीछे इसका कनेक्शन होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये जो वाला, ये जो जैसा आपको केबल जैसा दिख रहा है ना, ये जो केबल सीधा सीधा कैश ड्रॉयर पे कनेक्ट किया हुआ है। जो पहले वाला जो है आपको पावर सप्लाई का है, और ये जो है आपका कंप्यूटर में कनेक्टेड है, बस इतना ही कनेक्शन है जी। आप ये जो केबल जो है, देखिए ये जो है सीधा आपका, ये जो कैश ड्रॉयर में इसको कनेक्ट करने के लिए एक जगह दिया हुआ है, और उसमें जैसे पिन कर देना, बस इतना ही कनेक्शन है दोस्तों। और ये जो है डायरेक्ट, यानी प्लग एंड प्ले है, सीधा जाके आपके कंप्यूटर में लगा दीजिए इसका, ये वाला जो है, बस इतना ही कनेक्शन है जी इसको। वेरी सिंपल सा फिलोसफी है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है इसको, बस इतना ही करना है। मैं एक बार कुछ प्रिंट करके और कैश ड्रॉयर किस तरीके से बाहर आती है जो RAINTECH POS बिलिंग सॉफ्टवेयर से, देखिए दोस्तों RAINTECH POS बिलिंग सॉफ्टवेयर, और मैंने आपको दिखा देती है और इसमें से किस तरीके से प्रिंट आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, उधर जाइए, अपने जो सेल पैनल में जा सकता है सेल, तो इस तरीके से ब्यूटीफुल सेल विंडो आपको आ जाती है। तो मैंने कोई प्रोडक्ट उठा देती है, देखिए ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा स्कैन करके देखती है। देखिए, तो तुरंत वो प्रोडक्ट उधर आया हुआ, देखिए वो जो प्रोडक्ट वहां आया हुआ है, वो हमने कंट्रोल टोल लगा करके कीबोर्ड पे, देखिए तुरंत आप जैसे कमांड देंगे तुरंत कैश ड्रॉयर ओपन हो गए दोस्तों। जैसे एंटर मारेंगे प्रिंट भी बाहर आ जाएंगे, देखो उधर प्रिंट आ जाता है, देखो ना जी, वेरी सिंपल सा वे में आपको आ जाती है। मैंने और एक बार करके दिखा देता हूं आपको। देखिए, इसको हमने क्लोज कर देते हैं और हमने ये जो प्रोडक्ट उठाएंगे इसको, और उसको सीधा जाएंगे स्कैन कर दिया हमने, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट वहां आया हुआ है। तो हमने क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको सेव एंड प्रिंट बटन की तरह सीधा क्लिक भी कर सकता है। देखो, ऑटोमेटिकली जैसे सेव एंड प्रिंट क्लिक करेंगे ना, तुरंत आपका कैश ड्रॉयर ओपन हो जाती है। आप यस करिए, तुरंत उधर प्रिंट भी आ जाती है। इतना वेरी ब्यूटीफुल तरीके से आपको इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। एक कैश ड्रॉयर का अंदर थोड़ा देखिए आपने, एक कैश ड्रॉयर देखिए इस तरीके से रहता है, इसको देखो ये सब रहता है इसके अंदर, और ये जो भी निकाल के इसके अंदर भी पैसे डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और जितना भी आपको नोट्स वगैरह ना इसके अंदर डाल सकता है। बहुत अच्छा, मतलब क्वालिटी वाइज कैश ड्रॉयर है। और जो प्रिंट आया हुआ है, ये जो एप्सन प्रिंटर से आप देखिए इसको किस तरीके से क्वालिटी है, इसको एकदम बढ़िया क्वालिटी में प्रिंट आया हुआ दोस्तों। ऑटोमेटिक ऑटो कटिंग होती है इसका, ठीक है जी, ऑटो कट थर्मल प्रिंटर। ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं, इसमें भी मल्टीपल लेयर्स है दोस्तों। इसमें आपको शायद देख सकते हैं, मेरे हाथ को देखेंगे तो समझ जाएंगे आपको कितना लेजर लाइट मार रहा है इसका। मतलब कोई भी बारकोड कोई भी डायरेक्शन में रहने से, कोई भी फटाक से उन्होंने खींचेंगे, फटाक से, यानी इतना स्पीड में उन्होंने खींचेंगे,
तो हम अभी शुरुआत करेंगे इसका प्राइस क्या होती है। इसका प्राइस वेरी सिंपल है दोस्तों, देखो ये जो कैश ड्रायर आप देख रहे हैं, ये जो टीवीएस मॉडल का कैश ड्रायर आपको लगभग 3500 to 3800 उस प्राइस रेंज में आपको मिल जाती है, 3800। ठीक है जी, वो हैवी ड्यूटी है, एकदम हैवी ड्यूटी कैश ड्रायर है। और लैपटॉप अपना कोई भी लगा दीजिए दोस्तों, कोई भी लैपटॉप एक लगा दीजिएगा। और ये जो स्कैनर थोड़ा सा महंगा है, लगभग 9000 का स्कैनर है। स्कैनर आपको 1500 से शुरुआत मिलता है, यानी नॉर्मल स्कैनर, यानी जैसे हाथ से पकड़ के स्कैन करती है, तो वो भी लगा सकते हैं आपको। और प्रिंटर आपको, ये जो प्रिंटर है थोड़ा सा महंगा प्रिंटर है, एप्सन का T82X मॉडल है। आपको नहीं है तो दो तीन मॉडल प्रिंटर से देखो, मैंने इधर नीचे रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो है आपको एवरीकॉम का प्रिंटर है, ये जो एक्स प्रिंटर है, कोई भी आपको थर्मल प्रिंटर लगा सकते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं आपने स्पेसिफिकली ये प्रिंटर लगाना, कोई भी, मतलब एप्सन इंडिया में बहुत लोगों को विश्वास है इसके ऊपर, इसलिए करके मैंने वो उठा के रखा हुआ है। वो भी बहुत अच्छा प्रिंटर है एप्सन प्रिंटर, वेरी नाइस। ठीक है जी, और ये जो प्रिंटर आप लगा सकते हैं, ये जो प्रिंटर को लगभग आपको 12000 के ऊपर आती है, 12000-13000 के बीच में आपको अमेज़न में मिल जाती है इसको। और वो जो प्रिंटर आपको दिख रहा है, जो एवरीकॉम का प्रिंटर वहां दिख रहा है आपको, वो मेरे ख्याल से 5000-6000 प्राइस रेंज में आती है। और एक्स प्रिंटर उधर रहता है, वो जो है आपको लगभग 7000 के आसपास है एक्स प्रिंटर का, जो प्रिंटर ऑटोकटोथर्मल प्रिंटर, मेरा पुराना वीडियो में बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ दोस्तों मैंने। ठीक है जी, इस तरीके से आपको इतना ही हार्डवेयर यूज करना। और रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको यूज कर सकता है। रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा सा महंगा है, 15000 रुपये का है। रीजन क्या है, इसमें इतना सारा फीचर्स, इतना सारे कस्टमर सर्विस है। आपको जेन्युइन बिजनेस यानी करना है तो रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसको आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि हम आपने रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर कंपनी का वेबसाइट लाइव देख सकता है, www.raintech.com, और उसमें बढ़िया सर्विस आपको मिल जाएंगे। और आपको इसमें कई सारे फीचर्स है, मेरे चैनल में एक बार देख लेना दोस्तों। देखो इसमें एक फीचर्स में आपको दिखाई देंगे, इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं है। इसमें जाके देखो, प्रोडक्ट में जाके बल्क एडिट का ऑप्शन, यानी आपका जितना भी प्रोडक्ट यहाँ दिखाई देती है, आपको जो भी चेंजेस करना है इसमें डबल क्लिक करके आपको जो भी चेंजेस करके इधर सेव कर सकता है। तो इस तरीके से एक फैसिलिटी है, ये बहुत बड़ा हार्ड कोडिंग है दोस्तों। और चेक प्रिंटिंग वगैरह का ऑप्शन है, मतलब कई सारे फीचर्स है जिसमें, इसमें कम से कम क्या बोलो आपको, मेरे हिसाब से अगर वीडियो बनाएगा तो कम से कम 3 घंटा का वीडियो बनाएंगे। इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो आपको मेरे हिसाब से सारे प्राइस वगैरह सब कुछ जान लिए होंगे। तो यही सिस्टम है जी दोस्तों, जो POS सिस्टम के लिए आपको चाहिए। अगर कोई डाउट वगैरह है आप इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है, 8078311945। हम आपका हेल्प के लिए हमेशा रहते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।